दोस्तों, मैं अनुज यादव आपका अपने YouTube चैनल ग्लोबल फिजिकल ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा ABCDs होती क्या हैं, करते कैसे हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। ABC का मतलब होता है एजिबिलिटी बैलेंस कोऑर्डिनेशन ड्रिल्स। तो एजिबिलिटी का मतलब सबसे पहले समझते हैं। एजिबिलिटी का मतलब होता है चुस्ती फुर्ती वाली एक्सरसाइज जो हमारी बॉडी में चुस्ती लाती हैं, फुर्ती लाती हैं और हमारी बॉडी को एक्टिव बनाती हैं, उस एक्सरसाइज को हम एजिबिलिटी एक्सरसाइज कहते हैं। दूसरे नंबर पे आती हैं बी एक्सरसाइज का मतलब होता है हमारी जो बैलेंस एक्सरसाइज है उस चीज़ को हमें बॉडी को कैसे बॉडी में कंट्रोल करना है, यानी बॉडी में कैसे बॉडी को बैलेंस बनाना है, उस एक्सरसाइज को हम बॉडी बैलेंस एक्सरसाइज कहते हैं। उस वो ABC में बी एक्सरसाइज वो कहती हैं। उसके बाद आती हैं सी एक्सरसाइज। सी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, यानी हम अपनी बॉडी को किस हिसाब से मूवमेंट करें कि हमारी बॉडी अपने पैर के हिसाब से या हमारी बॉडी एक रनिंग शेप में आए और हमारी हाथ पैर एक अच्छे से कोऑर्डिनेशन करके आगे चले। तो इस एक्सरसाइज में होती हैं तीनों एक्सरसाइज, यानी ABC एक्सरसाइज, हमारी एजिबिलिटी बैलेंस कोऑर्डिनेशन ड्रिल्स यानी एक्सरसाइज। तो आपने देखा कि ABC होती क्या है। अब हम देखेंगे कि ABC करते कैसे हैं, वो मैं वीडियो को आगे बताऊंगा। बाकी आप ये जानिए कि ABC हमारी जो एक्सरसाइज है हफ्ते में हमें 2 से 3 बार करनी ज़रूरी है। ये हमारी परफॉर्मेंस को बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट करती हैं। बाकी आप इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट वाले जो भी प्लेयर हैं वो सभी लोग ABC एक्सरसाइज हफ्ते में 2 से 3 दिन करते जरूर हैं। तो आप अपनी कंटिन्यूटी में, मतलब आप अपने रनिंग या अपने वर्कआउट में ABC एक्सरसाइज को ज़रूर डालें। और जो एक्सरसाइज मैं करके बता रहा हूँ, यानी 25+ एक्सरसाइज जो हैं हमारी, उसको आपको करना ज़रूरी है। वो आपकी लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग तीनों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके स्टेप को बढ़ाएगी रनिंग स्टेप में, यानी कि जब आप दौड़ते हो तो आपका पैर जो नहीं खुलता वो खुलने लगेगा। लॉन्ग जंप में आपकी लॉन्ग जंप बढ़ाएगी, यानी आपकी बॉडी में उछाल लाएगी। हाई जंप में आपको अच्छे से इम्प्रूवमेंट देगी। और अगर आप नए हैं तो इस एक्सरसाइज में, मतलब इन जितनी भी एक्सरसाइज हैं उसको कम से कम करें। मतलब आप अगर 3 सेट मारना चाह रहे हैं तो उसको 2 ही मारें, क्योंकि अगर आप नए हैं तो आपकी हैमस्ट्रिंग खिसक सकती है, तो वो आपको बेनिफिट नहीं देगा, आपकी इंजरी ला देगा। तो आप हल्के करें, लेकिन ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। इस एक्सरसाइज में अपने टो पे वॉक करेंगे और घुटने सीधे रखेंगे, जिससे हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो और हमारे जो काफ हैं वो स्ट्रेच हों। 20 से 30 मीटर वॉक करने के बाद हमें स्ट्राइड लगानी है, जिससे हमारे पैर खुलें और हम आगे अच्छे से वॉक कर सकें। स्ट्राइड हमें हर एक एक्सरसाइज के बाद लगानी ज़रूरी है, जिससे हमारे पैर में खिंचाव ना आए और हमारी बॉडी अच्छे से वॉक कर सके। इस एक्सरसाइज में हमें एंकल पे वॉक करना है और हमारी बॉडी सेम टो वॉक की तरह सीधी रहेगी जैसे टो पे किया था, और हमारे कमर से लेके पूरे एंकल तक स्ट्रेच होना चाहिए बॉडी। और इसमें भी हम ट्राई करेंगे कि हमारे घुटने सीधे रहें। और उसके थोड़ी देर बाद ही, जैसे ही ख़त्म होता है, हमें स्ट्राइड लेनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी बट किक है, जिसमें हमारे पैर बट पे लगेंगे और हमारे हाथ अल्टरनेट में मूवमेंट होते रहेंगे। देन हमें स्ट्राइड पहले की तरह ही मारनी है। इस एक्सरसाइज में हमें एंकल जमीन पर टच होते ही अपनी बॉडी को उठाना है, इसे एंकल बाउंस बोलते हैं। इस एक्सरसाइज को स्किपिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। इसमें हमें अपने पैरों को ऊपर उठा के आगे रखना है और शॉर्ट डिस्टेंस में अपनी जगह कवर करनी है। इस एक्सरसाइज को हम हाई नी बोलते हैं। इसमें हमें अपने पैर 90 डिग्री ऊपर उठा के अपने हाथों को पैरों के हिसाब से अल्टरनेट में चलाना होता है। इस एक्सरसाइज में हमें अपने पैर आगे की तरफ उठा के किक करने होते हैं, इससे हमारे पैरों का स्ट्राइड लेंथ बढ़ेगा। इस एक्सरसाइज को वॉकिंग टो टच बोलते हैं। इसमें हमें अपने पैरों को अल्टरनेट में अपने हैंड से टच करना होता है और हमें अपने पूरे पैर ऊपर स्ट्रेच करने होते हैं।
आपको हर एक एक्सरसाइज के बाद स्ट्राइड जरूर मारनी है, जिससे आपका पैर स्ट्रेच ना हो, मतलब आपके कोई इंजरी ना आए। इस एक्सरसाइज में हमें जंप के साथ अपने टो को टच करना है अल्टरनेट में, और ये हमारी हैमस्ट्रिंग में पावर देगी। साथ में अगर आप ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो आपके हैमस्ट्रिंग में खिंच सकती है, तो आप अपनी बॉडी के हिसाब से ही अपने पैरों को उठाएं। इस एक्सरसाइज में हमें पैरों को पूरा ऊपर स्ट्रेच करना है, और साथ में हमें ताली लगानी है नीचे, जिससे हमारे पैर और अच्छे से स्ट्रेच हों। ये आपके लॉन्ग जंप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को हमें हाई स्किप बाउंस बोलते हैं। इसमें हमें अपनी बॉडी का जोर ना लगाते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है। इस एक्सरसाइज को हनुमान जंप बोलते हैं। इसमें हमें पूरी बॉडी का जोर लगा के ऊपर बॉडी को उठाना होता है, और ट्राई करना होता है कि हमारी बॉडी ऊपर 1-2 सेकेंड के लिए होल्ड रहे। और ये हमारी लॉन्ग जंप के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये हमारी लॉन्ग जंप बहुत अच्छी और बहुत जल्दी इम्प्रूव कर देगी। इस एक्सरसाइज में हमें अपने पैरों को ऊपर उठा के अपने अल्टरनेट हाथ में, मतलब अपोजिट हाथ में टच करना होता है। अगर टच नहीं होगा तो बस उठा के रखें, कि हमारे सीजर जंप यानी हाई जंप और हमारे साइड पैर दोनों चीज़ में इम्प्रूव कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें अपनी बॉडी को होल्ड करना है, यानी जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी का जो पोजीशन है वो इस तरह से होना चाहिए। तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हमें इस तरह से प्रैक्टिस करनी होगी कि हमारा जो नॉर्मल में बॉडी पोस्चर है वो ठीक रहे। इस एक्सरसाइज में हमें अपने टो पे जंप लेना है और दोनों पैर एक साथ रखने हैं, और इससे हमारे काफ में स्ट्रेच आएगा, यानी हमारे काफ मजबूत होंगे, जो हमारे लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों के लिए बहुत अच्छी है। इस एक्सरसाइज को हमें पिछले वाली एक्सरसाइज की तरह ही करना है, लेकिन इसमें हमें थोड़ा ऊंचा जंप लेना है और थोड़ा आगे की तरफ जंप लेना है, जिससे हमारी बॉडी आगे खुल के जाए। इस एक्सरसाइज को हम साइड जंपिंग जैक कहते हैं। इसमें हमें हाथ ऊपर टच करते हुए आगे की तरफ जाना है, और ये हमारी बॉडी में जंप लाएगी। ये सेम एक्सरसाइज है पिछले वाली की तरह, इसमें बस हमें साइड चेंज करके अपनी सेम एक्सरसाइज पूरी करनी है, जिससे हमारे दोनों काफ मजबूत हों। इस एक्सरसाइज में हमें एक पैर पर जंप लेते हुए अपने दूसरे पैर को ऊपर की तरफ उठाना है, और हाथ को एक बार अंदर की तरफ और एक बार बाहर की तरफ से मूवमेंट कराना है। ये एक्सरसाइज हमारे हाई जंप और लॉन्ग जंप दोनों के लिए बहुत बेनिफिट है। इस एक्सरसाइज में हमें हाई नहीं करनी है, साथ में अपने हाथ को अपने कमर के बराबर रख के टच करना है। इस एक्सरसाइज में हमें पैरों को अल्टरनेट मूवमेंट करते हुए आगे ले जाना है, ये हमारे साइड फैट को कम करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हमें सेम हैंड से एक बार फ्रंट में तथा एक बार साइड में टच करते हुए पैरों को उठाना है। यह एक्सरसाइज हमारे हाई जंप और लॉन्ग जंप दोनों के लिए ही बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, तथा इससे आपके पैरों के जो मसल हैं यानी आपके हैमस्ट्रिंग जो है वो अच्छे से खुलेगी और बहुत ही जल्दी आपकी। तो आपने देखा ये एक्सरसाइज करनी कैसे है, तो मैं आपको ये बताऊंगा। अगर आपके एंकल और घुटने में पेन है तो आप कम से कम एक्सरसाइज करें। इन एक्सरसाइज में जो जंप वाली एक्सरसाइज है उनको थोड़ा सा अवॉइड करें, बाकी नॉर्मल जो एक्सरसाइज हैं उनको आप कर सकते हैं। बाकी जंप वाली एक्सरसाइज में आपके एंकल और घुटने में अगर पेन है तो वो पेन बढ़ सकता है, तो ट्राई करें कि अगर आपके एंकल और घुटने में पेन है तो उस एक्सरसाइज को थोड़ा बहुत करें, ज़्यादा ना करें।